हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम केवीएल से सर्किट सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें हम तीन एग्जांपल्स लेंगे और तीनों एग्जांपल को केवीएल से सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल वन। एग्जांपल वन में फाइंड द वोल्टेज V3 अक्रॉस टर्मिनल ऑफ रजिस्टर R3 इन द फॉलोइंग सर्किट। निम्नलिखित सर्किट में R3 के सिरों पर वोल्टेज V3 का मान प्राप्त कीजिए। अब जो यहाँ पर सर्किट दिया हुआ है, इसमें तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, और दो वोल्टेज सोर्स है जिसको हम बैटरी भी कहते हैं, V1 और V2। इससे पहले हमने जितने भी सर्किट देखे थे उन सब में एक ही वोल्टेज सोर्स होता था, लेकिन यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स है। अब दो वोल्टेज सोर्स है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। इसमें सभी की वैल्यूज़ दी हुई है, R1, R2, R3, V1, V2 और V3। V3 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। V3 क्या है, R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है, ठीक है। अब V3 का मान ज्ञात करने के लिए हम KVL का उपयोग करते हैं। KVL क्या है, KVL किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का एक टूल है। इस सब्जेक्ट में हम नेटवर्क को या फिर कोई सर्किट रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टूल्स का उपयोग करेंगे, जिसकी सहायता से हम नेटवर्क को सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम KVL देख रहे हैं, KVL को इस सर्किट के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे। KVL को अप्लाई करने के लिए स्टेप्स इस प्रकार हैं। स्टेप वन, सर्किट में सभी लूप्स को पहचानें। इस सर्किट में केवल एक ही लूप है, लूप वन। इस प्रकार से लूप क्या होता है, जब हम किसी सर्किट में किसी रिफरेंस पॉइंट से या फिर किसी पॉइंट से शुरू करें और एक दिशा में चलते चलते वापस उसी पॉइंट पर आ जाएं, तो हम उसको क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। इस सर्किट में केवल एक ही लूप है। अब स्टेप टू, जिस लूप में KVL लगाना है उस लूप के सभी ब्रांच में करंट की मार्किंग कर दें, जैसे कि I1, I2, I3, ऐसा अगर बहुत सारे अलग अलग ब्रांच हैं तो हम उसमें क्या कर देंगे, करंट की मार्किंग कर देंगे। जैसे कि इस केस के लिए क्या होगा, R1 के करंट क्या फ्लो हो रही है, I, और R2 से भी करंट क्या फ्लो हो रही है, I। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, इस कारण से एक ही करंट फ्लो हो रही है। इसी प्रकार से R3 से भी हम क्या हो रहा है, क्या करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने सबको क्या कर दी, इस तरीके से मार्किंग कर दी। नेक्स्ट है स्टेप थ्री, उस लूप के सभी एलिमेंट जैसे रजिस्टर, बैटरी, कैपेसिटर आदि पर वोल्टेज की पोलैरिटी प्लस या माइनस लगा दें। यह पोलैरिटी करंट की दिशा के अनुसार मार्किंग करनी है। जैसे कि इस सर्किट के लिए क्या करना है, जैसे कि R1 है, ये भी एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के क्रॉस हमें वोल्टेज की साइन को मार्किंग करनी है। तो करंट इसमें क्या हो रहा है, इस साइड से इंटर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस साइड से क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर माइनस हो रहा है। इसके बारे में एक वीडियो में बताया गया है आपको, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर V1 है, V1 में पोलैरिटी तो ऑलरेडी दी हुई है, क्योंकि ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है। नेक्स्ट क्या है, R2 है, इसमें पोलैरिटी क्या हो जाएगी, इस सिरे से करंट क्या हो रहा है, इंटर हो रही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। और इस सिरे से क्या हो रहा है, करंट बाहर निकल रही है, इस कारण से यहाँ पर माइनस। और हम इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको V5 मान ले रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज है V2, इसमें तो ऑलरेडी साइन दिया हुआ, ये प्लस सिरा है, माइनस सिरा है। उसी प्रकार V3 है नेक्स्ट R3 का, उसमें भी पोलैरिटी दी हुई है कि V3 की पोलैरिटी क्या होगी। इस प्रकार हम क्या करेंगे, पूरे सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, बैटरी है, रजिस्टर है, उन सब में क्या कर लेंगे, वोल्टेज की पोलैरिटी प्लस या माइनस को हम मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है स्टेप फोर, KVL इक्वेशन समीकरण लिखने के लिए। अब लूप में कहीं पर भी एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे और लूप की एक दिशा में चलना शुरू करेंगे। तो इस सर्किट के लिए हम यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं और इस दिशा में हम चलना शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टेप फाइव, लूप में चलते समय जब भी हम एलिमेंट के वोल्टेज के प्लस साइन से माइनस साइन में जाएंगे, तो KVL समीकरण में उस एलिमेंट के वोल्टेज को माइनस साइन के साथ लिखेंगे, अर्थात घटाएंगे। और जब माइनस साइन से प्लस साइन में जाएंगे तो उस एलिमेंट के वोल्टेज को प्लस साइन के साथ लिखेंगे, अर्थात जोड़ेंगे। जैसे कि हम लूप में चलते चलते R1 के पास पहुँचे हैं, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम R1 के प्लस से माइनस में जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो इसके जो वोल्टेज है V4
उसको हम यहाँ पर माइनस साइन के साथ लिखेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो वी वन वोल्टेज सोर्स है उसके हम प्लस साइन से माइनस में जा रहे हैं यहाँ पर भी, तो इसको भी वी वन को हम कैसे लिखेंगे, माइनस वी वन लिखेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, हम आर टू के वोल्टेज को हम कैसे क्रॉस कर रहे हैं, प्लस से माइनस में जा रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जब जाएंगे तो हम आर टू के वोल्टेज को प्लस से माइनस में जाएंगे, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो इसके भी वोल्टेज जो वी फाइव है उसको हम समीकरण में कैसे लिखेंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम वोल्टेज सोर्स वी टू पर पहुँचते हैं। जब हम वी टू को क्रॉस करेंगे तो इसके भी प्लस साइन से माइनस में जा रहे हैं। अब प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो जो वी टू है उसको भी माइनस वी टू करके इक्वेशन में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम रेजिस्टेंस आर थ्री के पास पहुँचते हैं। रेजिस्टेंस आर थ्री के क्रॉस वोल्टेज है वी थ्री, और जब हम आर थ्री को क्रॉस करेंगे तो माइनस से प्लस में जाएंगे। यहाँ पर केस उल्टा है, हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसका जो वोल्टेज वी थ्री है उसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जब बढ़ते हैं तो हम उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं। उसी पॉइंट पर जब हम वापस आ जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा स्टेप सिक्स। जब हम चलते चलते उसी पॉइंट पर वापस आ जाएंगे तो समीकरण को इक्वल टू जीरो कर देंगे, यही हमारा उस लूप के लिए केवीएल इक्वेशन हो जाएगा। इस प्रकार प्राप्त केवीएल इक्वेशन को हम इक्वेशन वन मान ले रहे हैं। अब हम रेजिस्टेंस आर वन आर टू और आर थ्री पर ओम्स लॉ लगाएंगे। रेजिस्टेंस आर वन में हम ओम्स लॉ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज है वी फोर, और इससे करंट होगी कहाँ, क्या गुजर रही है, आई गुजर रही है, तो इस क्या हो जाएगा, वी फोर इक्वल टू आई आर फोर। इसी प्रकार रेजिस्टेंस आर टू पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर टू, और रेजिस्टेंस आर थ्री पर क्या हो जाएगा, माइनस आई आर थ्री। माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें वी थ्री के जो पोलैरिटी है प्लस और माइनस, तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, प्लस से माइनस की ओर फ्लो होना चाहिए, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, तो हम उसको क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर माइनस के रूप में लिख रहे हैं। अब हम इक्वेशन वन में वी फोर वी फाइव वी थ्री के वैल्यूज़ को रख देते हैं तो हमें एक नया इक्वेशन कुछ इस प्रकार से मिलता है, माइनस आई आर वन माइनस वी वन माइनस आई आर टू माइनस वी टू प्लस इंटू माइनस आई आर थ्री इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे, जो वी वन और वी टू है उसको एक साइड रखेंगे, और जो आई आर वाले टर्म्स हैं उसको अगले साइड नेक्स्ट साइड पक्षांतर कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, माइनस वी वन माइनस वी टू इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। अब हम इस पक्ष में माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में वी वन प्लस वी टू इक्वल टू, और इस पक्ष में आई को कॉमन ले लेते हैं तो आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करके जो आर वन आर प्लस आर टू प्लस आर थ्री वाला टर्म है उसको हम इसके नीचे ले आएंगे, तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आई इक्वल टू माइनस वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इस प्रकार हमें आई की वैल्यू मिल गई। हमें इस एग्ज़ाम्पल के लिए वी थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। वी थ्री की वैल्यू क्या है, वी थ्री इक्वल टू माइनस आई आर थ्री है। हमें आई की वैल्यू भी प्राप्त हुई है, जो प्राप्त हुई है उसको हम वी थ्री इक्वल टू माइनस आई आर थ्री में आई की वैल्यू को रख देते हैं। इस प्रकार रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी थ्री इक्वल टू माइनस माइनस वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इंटू आर थ्री। अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस है तो दोनों को हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वी थ्री इक्वल टू वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इंटू आर थ्री। इस प्रकार से हमें वी थ्री का इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। इस दिए गए सर्किट में हमें वी थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। वी थ्री की वैल्यू हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुई है, वी थ्री इक्वल टू वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इंटू आर थ्री। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ दिया हुआ है आर वन आर टू आर थ्री वी वन और वी टू की जो वैल्यूज़ दी हुई है उसको इस समीकरण में रख देते हैं, तो वैल्यू रखने पर हमें क्या मिलेगा, वी थ्री इक्वल टू फाइव प्लस टेन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व प्लस टेन प्लस टू इंटू टू। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वी थ्री इक्वल टू फाइव प्लस टेन फिफ्टीन एंड डिवाइडेड बाई ट्वेल्व प्लस टेन प्लस टू इक्वल टू ट्वेंटी फोर इंटू टू। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, वी थ्री इक्वल टू थर्टी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर।
आगे और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी थ्री इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4, और वी थ्री की वैल्यू अल्टीमेटली वी थ्री की वैल्यू हमें 1.25 वोल्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार केवीएल का उपयोग करके हमने एग्जांपल 1 को सॉल्व कर लिया। अब हम अगला एग्जांपल एग्जांपल 2 सॉल्व करते हैं। इसमें फाइंड द वोल्टेज वी थ्री इन द फॉलोइंग सर्किट, निम्नलिखित सर्किट में वोल्टेज वी थ्री का मान प्राप्त कीजिए। अब हमारे पास जो सर्किट मिला है हमें, इसमें केवल वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर 3 वोल्ट का वोल्टेज है, 5 वोल्ट का वोल्टेज है, 15 वोल्ट का वोल्टेज है, और एक अननोन वोल्टेज सोर्स है वी थ्री। हमें इसी वी थ्री का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने कुछ स्टेप्स इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, उस स्टेप्स को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या था, केवीएल इक्वेशन समीकरण लिखने के लिए अब लूप में कहीं पर भी एक रेफरेंस पॉइंट लेकर लूप के दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, हम इस दिशा में चलना शुरू करते हैं। इस दिशा में चलते चलते हम कहाँ पर पहुँचते हैं, 3 वोल्ट सोर्स पर पहुँचे हैं। तो हम स्टेप 5 यहाँ पर अप्लाई करते हैं। लूप में चलते समय जब भी हमें एलिमेंट के वोल्टेज के प्लस साइन से माइनस साइन में जाएंगे, तो केवीएल के समीकरण में उस एलिमेंट के वोल्टेज को माइनस साइन के साथ लिखेंगे, अर्थात घटाएंगे। और जब भी माइनस से प्लस में जाएंगे तो एलिमेंट के वोल्टेज को प्लस साइन के साथ लिखेंगे, अर्थात जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर थ्री वोल्ट के वोल्टेज के पास पहुँचे हैं। तो 3 वोल्ट के वोल्टेज के पास पहुँचे हैं तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, प्लस से माइनस में जा रहे हैं। प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो वोल्टेज 3 वोल्ट है उसको हम लोग यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हम 5 वोल्ट सोर्स पर पहुँचते हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, माइनस से प्लस में जाएंगे। जब हम माइनस से प्लस में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको वोल्टेज को प्लस साइन के साथ में लिखते हैं, इसलिए हम इसके वोल्टेज को क्या लिख देंगे, +5 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट वोल्टेज सोर्स में पहुँचते हैं। नेक्स्ट वोल्टेज सोर्स में पहुँचे थे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस से माइनस में जाएंगे तो क्या करेंगे, इसके वोल्टेज को माइनस के साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग वी थ्री पर पहुँचते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, माइनस से प्लस में जाएंगे। तो माइनस से प्लस में जाते हैं जब भी तो हम क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, यहाँ पर प्लस साइन लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, कितने वोल्टेज को क्रॉस किए, वी थ्री को, तो क्या हो जाएगा, +V3 हो जाएगा। हम चलते चलते वापस उसी पॉइंट पर आ गए, इसलिए क्या हो जाएगा, =0। अब इस प्रकार से हमें क्या मिल जाता है, केवीएल इक्वेशन मिल जाता है, केवीएल समीकरण मिल जाता है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, -3 + 5 2 हो जाएगा, और 2 - 15 क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। तो इस तरीके से -13 + V3 = 0। अब इसमें हम जो -13 है उसको उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो V3 = क्या हो जाएगा, 13 वोल्ट। यही क्या होगा, V3 की वैल्यू होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि केवीएल का लगाकर हमने इस सर्किट को सॉल्व कर लिया और V3 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 3। इसमें फाइंड द वोल्टेज VABA क्रॉस टर्मिनल्स A and B इन द फॉलोइंग सर्किट, निम्नलिखित सर्किट में ए और बी के सिरों के बीच वोल्टेज VAB का मान प्राप्त कीजिए। तो हम क्या करेंगे, अब इस सर्किट में जो बी और ए है उसके बीच का वोल्टेज प्राप्त करेंगे। इसमें केवल वोल्टेज सोर्स ही जुड़े हैं। अब इस प्रकार का कंडीशन जब भी रहता है तो इसको भी हम KVL से ही सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो दूसरा टर्मिनल है बी, उसको हम रिफरेंस पॉइंट मानते हैं, और उससे चलना शुरू करते करते हम ए पॉइंट तक पहुँचेंगे। तो हम बी से चलना शुरू करते हैं, बी से चलते चलते हम 5 वोल्ट में पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं, और जब भी हम माइनस से प्लस में जाते हैं तो इसके वोल्टेज को प्लस के साथ में लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +5 वोल्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम 4 वोल्ट पर पहुँचते हैं। यहाँ पर हम जब आगे बढ़ेंगे तो 4 वोल्ट के प्लस से माइनस में जाएंगे, और जब भी हम प्लस से माइनस में जाते हैं तो इसको हम माइनस साइन के साथ में लिखते हैं, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब 4 वोल्ट से हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम 3 वोल्ट पर पहुँचते हैं, और 3 वोल्ट में हम क्या कर रहे हैं, माइनस से प्लस में जा रहे हैं। इस कारण से हम क्या करेंगे, इसके वोल्टेज को +3 लिखेंगे, क्योंकि हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, +3 लिखेंगे। और हम फिर से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम क्या वहाँ पर पहुँच जाते हैं, पॉइंट ए पर पहुँच जाते हैं। तो पॉइंट ए पर जैसे ही पहुँचेंगे तो यही क्या हो जाएगा, हमारा
वी ए बी हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इक्वल टू वी ए बी। अब हम सर्किट को आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 4 1 और +3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो क्या हो गया आगे इक्वेशन, 4 इक्वल टू वी ए बी, और इसको हम और अच्छे से लिखना चाहें तो वी ए बी इक्वल टू 4 वोल्ट। इस प्रकार हमें ए और बी के बीच का जो वोल्टेज है वो प्राप्त हो जाता है 4 वोल्ट। इस प्रकार हमने 3 एग्जाम्पल के द्वारा KVL अप्लाई करना सीखा। धन्यवाद।